फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट शो, इंटरनेशनल जो फर्स्ट शो है, आज मैं करने जा रहा हूँ फॉर सऊदी अरब। बर्थडे पार्टी ऑनलाइन मनाई जा रही है। मैं इंडिया में हूँ, सऊदी अरब में रहते हैं। हादी जी का बर्थडे आज 22 साल के हो गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट बर्थडे शो ऑनलाइन। 12:30 और गुरुदीप का आज फर्स्ट इंटरनेशनल लाइव शो था। और इंटरनेशनल लेवल पे आपने कौन सी कंट्री के लोगों को आज वाली शो दिखाया? सऊदी अरब कंट्री के लोगों को आज शो दिखाया। उनका बर्थडे था तो उन्होंने मुझे बुक किया शो दिखाने के लिए। और मैं खुद देख रही हूँ, रिकॉर्डिंग किया उसके बाद उसका, बहुत दे एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़ेदार शो लग रहा है। देयर एक्सप्रेशंस आर टू गुड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अपने फर्स्ट इंटरनेशनल मैजिक शो का। थैंक यू। दिल एंजॉयड अ लॉट। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। देयर इज माई व्हाट्सएप नंबर। कॉन्ग्रेचुलेशन गुरुदीप, ऐसे ही तरक्कियां करते रहो। कॉन्टेक्ट मिस्टर हादी टू इनवाइट मी एंड ऑर्गेनाइज द मैजिक शो। They are saying बब्बर बब्बर, गुरदीप सिंह बब्बर। वाओ, सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। वाओ, बर्थडे केक फॉर द बॉय। बर्थडे था आज इंटरनेशनल एंड दे आर सो हैप्पी। इनका बर्थडे था। He was so happy. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Best birthday ever. Thank you, boss. Thank you. मेरा ज्यादा देर टारगेट की तरफ ध्यान देने का एक रीजन मेरे पेरेंट्स भी हैं। एक तरीके से मैंने अभी एक मेडिसिन खाई थी जिसकी वजह से उसके अंदर नींद आती है, और मेरे को तो मेडिसिन जब मैं खाती हूँ इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ मेडिसिन, ताकि मेरे को नींद ना आए। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आती है। तो मैंने भी मम्मी को फ़ोन करके पूछा, मम्मी मैंने मेडिसिन खाया है, बहुत नींद आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं सो जाऊँ थोड़ी देर? हालाँकि मैं 10 मिनट का अलार्म लगा के सो चुकी हूँ, लेकिन मम्मी कहते हैं ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा और चुपचाप आ जाओ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो मैं रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं मम्मी से बात करी थी, जनरली ऐसे रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन हाँ मेरी मम्मी का डायलॉग जो है ना, पेरेंट्स भी कहते बहाना नहीं चलेगा, एक चुपचाप आके नीचे खाना खा ले ना, खाना बना हुआ उसके बाद पढ़ने दोबारा बैठती हूँ। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और दोबारा से पढ़ने, इन द सेंस आप लोगों के लिए वो नोट्स बना रही हूँ अनअकैडमी वाले, सो वो दोबारा से बनाने बैठ जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का पुश भी होता है जो हमें दोबारा से एक्टिव कर देता है और काम करने में मजबूर कर देता है। तो ऐसे ही एक ये भी सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ, अगर आपको नींद ज़्यादा आती है तो यस, आप किसी को बोल दो कि मेरे को नींद आई, मैं क्या करूँ? हाँ, अगर वो कहे कि सो जाओ फिर तो भाई हो गया काम, लेकिन जैसे मम्मी ने भी बोल दिया, नहीं कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती। सो मुझे अब नींद खुल गई है, मैं नीचे जा रही हूँ। एक तो मैंने बोला ना कि एक बार उठ जाओ तो भी नींद नहीं आती है फिर, और फिर आकर मैं पढ़ाई करूंगी दोबारा से, नोट्स बनाने में लग जाऊंगी। तो ऐसे ही आप भी अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अभी आई हूँ मैं दोबारा, क्या कह रहे थे मेरे को? क्या बोला मैंने तेरे को? नींद के लिए एक्सक्यूज नहीं है। कोई एक्सक्यूज नहीं है नींद के लिए। नहीं सोना, नहाओ, ठंडे पानी से मुंह हाथ धो, काम करो। घर पे कोई काम होता है तो ये वाला कूड़ा जो होता है यही उतारना सबसे बड़ा वो है। देखो हमने कपड़ों के लिए ये लगा लिया है, इससे क्या होगा कपड़े हम यहीं पे सुखा सकते हैं, अंदर ही छत पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी सुखा सकते हैं। ये पाइप इस तरीके से होल्ड कर लिया है इसके आगे, यहाँ पे इजीली हमारे क्लोथ्स सूख सकते हैं। दिस इज न्यू डिमांड व्हिच वी थिंक इज रियली नाइस। बाकी मैं सफाई करके बाद में दिखाऊंगी मैं मम्मी को, यहाँ गंदा गंदा है, बन बनाया हुआ है सफाई करते टाइम। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा यही होता है सुबह सुबह ये सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो मम्मी तो बहुत फास्ट है, मम्मी ने जैसे ही उन्होंने ये किया उस टाइम पे ही सफाई कर ली, बाकी के सारे फ्लोर
अब मेरे को कल क्लासेस वगैरह भी बनाई थी इसलिए टाइम नहीं मिला, तो अब मैं अब कर रही हूँ, फटाफट से करती हूँ, कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो सो दैट मैं अपनी क्लासेस के लिए टाइम निकाल सकूँ। एंड फिर आज 2 बजे वाली क्लास भी है, सो वी हैव टू फिनिश इट वेरी फास्ट। देखो ऐसे यहाँ पे हमने कपड़े सुखा दिए इसके अंदर डाल के, और अभी मैं इसमें से निकाल के अपने बास्केट में डाल रही हूँ। तो ये एक गुड मेथड है। सो इस साइड पे भी इससे काफ़ी अच्छा हो गया, इसके अंदर ही कपड़े सूख जाते हैं, और अगर चिमटी नहीं भी लगाई तब भी चलेगा, बट मैंने जिधर से ज़्यादा हवा आती है उस साइड पे लगाई है। क्लाउड्स कितने अच्छे भी लग रहे हैं ऊपर आकर। हाई क्लाउड, हमारा कैमरा आप तक पहुँच गया। सो दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये होता है पूर्वत, मतलब बारिश आने से पहले बादल बनना, पूर्वत। इसके बाद अब रेन जरूर आएगी अनुमान लगा लिया हमने, और रेन विल डेफिनेटली कम। ये है पूर्वत, शेष आएगा जब बारिश आ चुकी होगी तब। नाउ क्लाउड्स आर देयर, तो रेन मस्ट कम सून। मैं इतने सारे बने हैं, मम्मी कह रहे हैं कि क्या कह रहे जब मैं फ्राई करती ना गरम तब मैं बनाती। आज सुबह पकौड़े बनाए थे नॉर्मल, कोफ्ते बनाए थे, कोफ्ते जो होते हैं पानी। अब गोलगप्पे का पानी भी है, तो मम्मी ने साथ में ही गोलगप्पे को भी फ्राई कर लिया, जिससे कि दोबारा तेल स्पेशली गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, ये सूखा भी, हमें सूखे भी बहुत पसंद है, इसे तो ऐसे भी खाया जाए। गोलगप्पे का पानी डालो, खा लो। नीचे काम हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए आवाज आ रही है। छत पे ग्रिल लगा लिया ताकि उधर से इधर ना जाए। 15 अगस्त में सारे हमारे छत पे होते हैं 15 अगस्त में, तो हम सोच रहे हैं उससे पहले पहले ग्रिल लग जाए। चाहिए गोलगप्पा, अब तो बाजार जैसा कमानी है, बाजार वाले गोलगप्पा पानी एक्स्ट्रा। ब्रदर को ज्यादा आते हैं इसलिए गुरदीप खोल रहा है। ब्रदर खाना डालता है, मैं खाती हूँ। मैं अपन कर रही थी, कह रहा है तेरे को नहीं आता, तू गिरा देगी, मैं डालता हूँ। गिरा क्या देगी, पहले 2 बार गिरा चुकी है, आज फिर गिराती, फिर सबका द्वार लेके आना पड़ता है बाजार से। तो झूठ मत बोल, आ जाओ। ओए होए, डाल दिया गुरदीप ने, क्या बात है, अरे वाह, चाय पी रहा क्या? जिसको देख के भी ना पता लगा वो महामूर्ख है। जब मैं बता रही हूँ, सही बता रही हूँ ना मैं। तू पूछ रही है फालतू में। जो व्यूअर्स हैं वो पीछे का देखें, इसने पूछा था, क्वेश्चन मार्क था इसके लास्ट में, चाय है क्या, मतलब क्वेश्चन मार्क। मैं कहा कोई स्पेशल, उसमें भी कुछ नया है कि नाम सेम ही नहीं ना होते, अलग अलग भी होते हैं। नहीं, इसको इसने पूछा था। चलो भाई ऐश करो। फ्रेंड मम्मी को क्या मिला, इतनी बड़ी हरी मिर्च। ये ना मेरी फेवरेट मिर्च है, मेरे जितने भी वेजिटेबल आते हैं ना वो मुझे ये वाली मिर्च दे देते अपने आप। अब मम्मी के इसका तड़का लगाने लगे हैं और बहुत बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है। सोनिया को नहीं पता मैं तड़का नहीं लगा रही, मैं गोभी के परांठे बना रही हूँ, उसमें मुझे ये बहुत टेस्टी लगती है। मैं अभी आई हूँ, दिस वाज गेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड विच इज फेल्ड। क्या है, पकौड़े बनाओ, मिर्च के पकौड़े, एक मिर्च चाहिए, एक ही मिर्च मिली है मुझे सब्जी के साथ, और ये काट काट के यूज की जाएगी अलग अलग चीजों में। मसाले डालिए, मिर्च बना लीजिए, इसके अंदर इतनी बहुत पसंद आती है, उसका टेस्ट जब कचकच आता है तब दूसरी वाली तीखी लगती है, और इसको मैं मजे से खाती हूँ, टेस्ट अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, दही में भी अच्छा लगता है। इसमें मसाले के डाले हैं मिर्च, नमक और थोड़ा सा आमचूर, नमक, धनिया पाउडर, हल्की सी अजवाइन, मैंने ग्रेट करके रखी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हर बारी पूछ लेती है इसमें क्या क्या डाला है, लेकिन इसको बनाना कुछ नहीं आता, ये सिर्फ पानी उबाल सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मैं भी आता हूँ, ऐसे मत बोलो, मैंने सिखाई है इसको कुकिंग, बस टाइम नहीं मिलता। आता है वही, ये टाइम मिलता है, अभी मैं खाना खाऊंगी फिर उसके बाद वही लेसन बनाना है, वो ज़्यादा आता है इसको, सब कुछ आता है लेकिन सिर्फ खाना और कुछ नहीं।
गोभी के परांठे के लिए। हल्के मसाले, टेस्ट बढ़िया। यही वाले सेम मसाले आलू के पराठे में भी डलते हैं ना? और कोई स्पेशल मसाला? कुछ नहीं डालती हूँ, हल्के मसाले में तो ज़्यादा पसंद। अच्छा, ऐसे करके बेल लेते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। गोभी के पराठे मेरे फेवरेट हैं, बाकी भी अच्छे लगते हैं, आलू के भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। जल्दी बनते हैं ना, इसलिए पोटैटो बॉयल करने पड़ते हैं। गोल गोल सॉफ्टली चलाना है, दबा दबा के चलाएंगे तो फट जाएगी, इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट करेंगे तो नहीं फटेगी। कई बार गोभी में पानी रहता है ना, फिर हाँ पानी भी नहीं रहना चाहिए। गीला गीला जब गोभी के परांठे बनाने तो उसे पहले ही धो लो और बाद में उसको अगले दिन यूज़ करो, नहीं तो पानी वाली फिर नहीं बनती। उस टाइम पे सूखी होगी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखो क्या गोल गोल बनी है मम्मी से। आज तो अचानक ही पहले आ गई मैं खाना बनने से, इसलिए वीडियो बन गई, नहीं तो मेरे आने पे बनी होती है परांठिया परांठे या रोटी। लवली रोटी खाइए दाल के साथ। हाँ जी खा लिया उसने, रात को दाल लेके आए थे उसके साथ ही खा ली। अभी ब्रदर जाएगा है ना, अमेजोन में बुक्स देने जा रहा है, वहाँ पे और डिमांड आ गई है। सुबह सुबह रेडी हो गया है और मैं सुबह सुबह क्लास लेके आई हूँ अभी। और ये गया देसी घी, पूरे में फैला दिया। देसी घी तरो ताजा कर देगा फास्टली। अब मैं जरा अपनी प्लेट लेके आती हूँ। तो ये रही मेरी प्लेट गोभी की, परांठे रेडी है, मैंने डाल लिया है साथ में दही और इसको टेस्टी टेस्टी गोभी को खाएंगे। ऐसे ही आप भी वीडियोस को देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।